सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर। वोडाफोन आइडिया में आप लोग देखोगे भी एक खबर आई सुबह सुबह और उस एक खबर ने पूरा मूड माहौल खराब कर दिया और स्टॉक सीधा 13% के आसपास गिरावट में हमें दिखाई दे रहा। अभी के टाइम 13 रुपये के भाव में शेयर आ चुका है, लगभग 2 रुपये शेयर टूट चुका है भाई। और जो वॉल्यूम आई है ना वो लगभग आप लोग देखोगे 940 मिलियन की, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे 60 मिलियन वॉल्यूम और आती है स्टॉक में, 1 बिलियन की वॉल्यूम आ जाएगी यानी कि 100 करोड़ की वॉल्यूम। अभी टाइम 94 करोड़ की वॉल्यूम है स्टॉक में, तो हाई वॉल्यूम है स्टॉक में, हाई सेलिंग प्रेशर है। उधर मार्केट में जो अभी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल रही, क्योंकि दो बड़े दिग्गजों के मार्केट्स को लेकर बयान आए हैं जहां पर मार्केट को यहां पर जो ना गिरावट के संकेतों को देखने को मिल रहे हैं। मॉर्गन स्टेनली ने पहले ही आप लोगों ने देख लिया, अभी भारतीय बाजार में शॉर्ट करेक्शन के संकेत दिए थे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है भाई। और वहाँ पर आप लोग देखोगे भी अमेरिका के एक दिग्गज निवेशक रोजर्स ने भी, जिम रोजर्स ने भी वहाँ पर सेलिंग के संकेत दिए हैं। तो ये दो कारण मार्केट में दबाव के पीछे। हालांकि अमेरिका के बाज़ार फ्लैट क्लोजिंग लिया है, हमारे बाज़ारों में जो एक बिग सेलिंग है वो देखने को मिली है। तो चलिए अब देख लेते भी वोडाफोन आइडिया में आखिरकार क्यों गिरावट बन रही है। तो यहाँ पर देखोगे CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये आर्टिकल देखने को मिला है। सुबह सुबह ये आर्टिकल आया जिसके बाद जो स्टॉक है वो क्रैश होते हुए नजर आया। देखो भाई, वोडाफोन आइडिया को शेयर जो है उसे बेचने की राय दी गई है, बेचने को कहा है, और 2.50 रुपये तक स्टॉक, 2.5 रुपये तक जो स्टॉक है वो गिरेगा, ठीक है। और बड़े ब्रोकरेज हाउस ने बताया, तो कहाँ से गिरेगा भाई 2.5%? क्या अभी जो भाव उससे गिरने वाला है या फिर और नीचे से गिरने वाला है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे डिटेल जानकारी है, कर्ज की समस्या से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म गोल्डमैन सैक्स ने आप लोग देखोगे खास नोट जारी किया। और इस नोट में ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कई कारणों की वजह से बेहद कम टारगेट तय जो ना भी किया है इसका, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्टों का मानना है कि कंपनी की ओर से हाल में जुटाई गई पूंजी मार्केट शेयर में गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी तो पीछे जितना भी इन्होंने रकम जुटाई है बाजार से वो इसे आने वाली गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है भाई। अगले 3 से 4 साल में कंपनी की मार्केट शेयर 300 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकता है। कारोबारी साल 2026 की शुरुआत में ही कंपनी के पास बड़े एजीआर यानी स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाया चुकाने हैं कंपनी को। और अभी आप लोग एजीआर जो एजीआर के ऊपर जो भी फैसले आने थे गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से उसको भी आगे सरका दिया गया है भाई। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बना है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल रेटिंग दी गई गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, यहाँ पर देख सकते हो भी स्टॉक का भाव और जहाँ से सेलिंग रेटिंग दिया गया वह 15 रुपये, और 15 रुपये से जो स्टॉक वो 2.5 रुपये नीचे जाएगा, ये इनका मानना है। और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी को ARPU बढ़ाकर 200 से 270 तक करना होगा और कारोबार साल 2031 तक कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो है ना भाई वो नेगेटिव ही रहने वाला है। गोल्डमैन सैक्स ने स्टॉक पर सेल राय के साथ 2.5 रुपये प्रति शेयर का नीचे का जो टारगेट प्राइस है वो तय किया है भाई। ये गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इसके ऊपर अपडेट आया है। उसके बाद हाल ही में नुवामा की जो रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर होल्ड करने की राय दी उन्होंने, तो ठीक है, जिनके पास होल्ड करो, फ्रेश एंट्री के अभी फिलहाल कोई भी इसमें जो अभी देखने को नहीं मिल रहा है माहौल। और शेयर का जो टारगेट रखा गया है 16.5 रुपये का ऊपर में रखा था, लेकिन आज तो स्टॉक में बिग फॉल है। इसके अलावा आप लोग सिटी की भी रिपोर्ट आई थी, तो सिटी की रिपोर्ट में जो अभी 23 रुपये से घटाकर जो टारगेट है 22 रुपये तय किए गए थे। उन्होंने इसकी जो आमदनी है ब्रोकरेज हाउस के अनुमान से कम रही है, उन्होंने ये बोला है। तो ये टोटल रिपोर्ट्स, अभी दो रिपोर्ट्स में तो यहाँ पर टारगेट्स वगैरह ऊपर के दिए गए हैं, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने तो तख्ता पलट कर दिया और स्टॉक को आज जो है आप लोग देखो 13% के नीचे में दिखा दिया है अभी आपको सामने आपके सब कुछ। तो 2.5 रुपये तक स्टॉक गिरेगा 15 से, तो आप लोग मानो 12.5 के आसपास स्टॉक आ सकता है नीचे में इनके अनुसार। तो ये कारण है अभी स्टॉक में आज बिग फॉल के पीछे। लेकिन जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है ना, अभी देखो उन्हें मैंने पीछे भी एक ही बात बोली थी, जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहा है वो 11 के लेवल के ऊपर टिके रहो भी। 11 के ऊपर है तो स्टॉक में बैठो, अगर 11 के नीचे में जा रहा शेयर है तो एक बार इससे निकल जाओ भाई। कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है पैसा फंसाना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई डेट है, 73,000 करोड़ के आसपास का डेट है, जिसमें से कंपनी बोल रही है कि 40,000 करोड़ तो ये बेफिजूल में बढ़ाया गया है। इसके ऊपर जो ना भी जो सुनवाई वगैरह वो होनी चाहिए और इसके जो भी दोबारा से निरीक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि दोबारा इसकी जांच होनी चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला है, तो देखते हुए इसके ऊपर क्या कुछ फैसला आएगा वो जरूर बताएंगे। अभी के टाइम तो सब कुछ नेगेटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।